आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने की चर्चा भारत देश में ही नहीं अपितु पूरा विश्व में देखने को मिल रही है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से तैयारी करते देखे जा रहे हैं। हमारे बीके संवाददाता आनंद मोदी ने झांसी जिले के एक छोटे से कस्बे बरुआ सागर में एक सामान्य परिवार में जन्मे और पूरे देश में मद भागवत कथा करने वाली 7 वर्षीय महक देवी से सीधी बात करते हुए उनसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास चर्चा की। आइए सुनते हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भगवान जो हैं एक फटे टेंट से एक विशाल मंदिर, भव्य मंदिर जो देश की आस्था, विश्व की आस्था का प्रतीक है, देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को जिसका इंतजार था आगामी 22 जनवरी को, वो घड़ी जो है पूर्ण होने वाली है। झांसी जिले की बरुआ सागर की एक सामान्य परिवार की मासूम सी पुत्री, 7 साल की बिटिया जो भगवान रामलला के साथ साथ बरुआ सागर के श्री मंसिल माता जो है मंदिर है वहाँ की पूजा जो श्री मद्भागवत कथा का भी ज्ञान कराती है, जो गंगा बहाती है, आज वो बरुआ सागर में मौजूद हैं। न्यूज बीके की टीम उनके पास पहुंची है। भगवान रामलला के लिए उन्होंने कुछ अपने मन की जो बात है वो कहने का एक साहस किया है। छोटी सी पुत्री, आइए हमसे बात करते हैं। महक देवी जी, बरुआ सागर जो अयोध्या में रामलला भगवान है वो एक फटे टेंट से बड़े भव्य मंदिर में जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? सुसुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। मैं राधा स्वरूपा महक देवी जी आप सभी से, देशवासियों से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे राम राजा 22 जनवरी को आने वाले हैं, तो अपने अपने घरों में अब दूसरी दीपावली 11-11 दीप जलाने का कष्ट करें सभी, क्योंकि उस दिन हमारे राम राजा आने वाले हैं और पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए, और जो इस ब्रह्मांड की देवी देवता हैं वह उस दिन फूल वर्षा करेंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद तो सबसे ज़्यादा वह उन्हें देंगे जिन्होंने 500 वर्ष का इंतजार ख़त्म कर दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने 500 वर्ष का इंतजार ख़त्म कर दिया और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जय जय श्री राम। और आपसे मेरा यह निवेदन भी है कि इस खबर को फैला दीजिए आग की तरह, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगी हमारे राम राजा आने वाले हैं, क्योंकि उस दिन इतिहास रचने वाला है। गूंज रहे हैं यह तीनों नाम, योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आपसे यह भी मेरा कहना है कि सिद्धपीठ मंजिल माता के दरबार में आने वाली शिवरात्रि को यहाँ पर 191 विवाह भी हैं, तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मंदिर पर आने का कष्ट करें और धर्म लाभ उठाएं, जय जय श्री राधे। ये थी छोटी सी एक 7 साल की बिटिया महक देवी, जो पूरे देश में एक भगवत गीता के ज्ञान से सभी को धारा प्रवाहित, अपना ज्ञान जो धर्म का ज्ञान है वो प्रवाहित करती है, और राम मंदिर बनने में इनका एक बड़ा उत्साह भी है। इनकी इच्छा है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम वहाँ पर जरूर जाएंगे, भगवान रामलला के दर्शन करके अपने आप को अभिभूत करेंगे। न्यूज बीके से बरुआ सागर से आनंद मोदी की खास रिपोर्ट।